हेलो स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट, कल हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कल देखा था कि जो मैटर होते हैं वो अपने तीन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट हम स्टडी करेंगे प्लस टू क्लास में। अब हमें 11th क्लास में जो डिटेल स्टडी करना है वो है गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में। ठीक है, अपना जो मेजर पोर्शन रहेगा वो है गैसियस स्टेट। तो आज हम वही स्टार्ट कर रहे हैं, गैसियस स्टेट। कल हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखे थे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं। आई होप आप सबने कर लिए होंगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं गैसियस स्टेट। तो देखिए स्टूडेंट, हम कल देख चुके थे कि गैसियस स्टेट क्या होती है। गैसियस स्टेट वो स्टेट होती है जहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होते हैं, कि मतलब पार्टिकल के बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? गैसियस स्टेट बोलते हैं। अब देखो, आज हम देखेंगे कि गैसियस स्टेट के क्या क्या जनरल करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो देखो टॉपिक है अपना जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आता है शेप एंड वॉल्यूम। शेप एंड वॉल्यूम आप सब जानते हैं कि गैसियस स्टेट के लिए शेप एंड वॉल्यूम डिफाइन नहीं होते। ठीक है, कि जो गैस होती है उनकी ना तो शेप और ना ही वॉल्यूम क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो गैसियस स्टेट हैव नो फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, गैसियस स्टेट के अंदर अपने पास पार्टिकल क्या होते हैं? दूसरे से दूर दूर होते हैं वे, इस तरह से होते हैं। इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, जिसकी वजह से इनकी शेप फिक्स नहीं होती और इनका वॉल्यूम भी क्या नहीं होगा? फिक्स नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करते रहते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, आप जिस भी कंटेनर में इनको डालोगे, जहां भी आप इनको फिल कराओगे, उसी का ही वॉल्यूम ये क्या करते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इसी वजह से जो गैसियस स्टेट होती है, दे डू नॉट शो एनी फिक्स्ड शेप एंड नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इनकी ना तो शेप फिक्स होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो देखो क्या लिखोगे, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम, नॉर डेफिनेट शेप। कि गैसियस स्टेट का वॉल्यूम और शेप कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं अभी। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड अपने पास जो करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज डेंसिटी। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा गैस का? डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट, डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो, जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं? दूर दूर होते हुए उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वीक होता है। अब इन पार्टिकल के दूर दूर होने की वजह से जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? हाई। और वॉल्यूम हाई होने की वजह से गैस की डेंसिटी क्या होगी? लो। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो गैसेज हैव लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ से क्या लिखोगे, गैसेज हैव लोअर डेंसिटी देन लिक्विड एंड सॉलिड। कि जो गैस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में कम होती है, ऐसा क्यों?
क्योंकि देखो लिक्विड और सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम कम होगा। लेकिन गैस के केस में जो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल होते हैं उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है, उनके बीच में इंटरेक्शन बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम हाई होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम। तो इसलिए गैसियस स्टेट की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लोअर होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड के। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है थर्ड पॉइंट, थर्ड इज कंप्रेसिबिलिटी, थर्ड इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी स्टेट को कंप्रेस कर देना, ठीक है, कि हम उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब कि पार्टिकल दूर दूर है उनके पर हम फोर्स लगा करके उनको कितना हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है, उनकी कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। अब देखो किसी भी स्टेट को कंप्रेस कब किया जा सकता है, जब उनके इंटर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा, बात समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो गैसियस स्टेट में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर के अंदर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत लार्ज होता है भी, हम उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो जो गैसियस स्टेट होती है दैट इज हाईली कंप्रेसिबल, हम इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस काफी होता है, यहाँ वैकेंट स्पेस है। जब हम इन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो ये पार्टिकल एक दूसरे के पास आ सकते हैं, इतनी बात समझ रहे हो। तो यहाँ से जो गैसियस स्टेट की कंप्रेसिबिलिटी होगी वो क्या होगी, हाई। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, दीज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है। क्लियर हुई इतनी बात, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी इनकी, हाई होगी एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड के। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के केस में जो डिस्टेंस होता है, जो वैकेंट स्पेस होता है वो बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल को हम ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैसेस के पार्टिकल को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैकेंट स्पेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल का जो इंटर डिस्टेंस होगा, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ इज डिफ्यूजेबिलिटी। डिफ्यूजेबिलिटी का मतलब क्या है, मिक्स हो जाना। अब आप देखिए, मान लो मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है, ये क्या है मेरे पास, कंटेनर। इस कंटेनर में मैंने क्या करके हाइड्रोजन को फिल करवा रखा है और ऑक्सीजन गैस को फिल करवा रखा है, इस कंटेनर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो आप ये बताइए, क्या ऐसा होगा कि इसके हाफ पोर्शन में तो सिर्फ हाइड्रोजन गैस रहेगी और हाफ में ऑक्सीजन रहेगी, नहीं। इधर क्या होता है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, और मिक्स होकर जितना पार्ट हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगी ना उतना ही पार्ट क्या करती है, ऑक्सीजन ऑक्यूपाई करती है, मतलब ये डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेस प्रेजेंट है, वैकेंट स्पेस है। अब एक गैसियस के पार्टिकल के अंदर दूसरे गैसियस के पार्टिकल आसानी से क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट स्पेस है, जिनके अंदर दूसरे गैसेस के मॉलिक्यूल क्या कर लेंगे, पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो इस गैसेस स्टेट की जो डिफ्यूजिबिलिटी होती है, इनके इंटरमिक्सिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, गैसेस इंटरमिक्स कंप्लीटली, कि जो गैसेस होती है वो क्या कर जाती है, इंटरमिक्स कर सकती है आसानी से, ठीक है। साफ नहीं दिखाई दे रहा, क्या नहीं दिखाई दे रहा, यशोनी अब दिखाई दे रहा है, ओके। चलो देखो सुन, हम क्या कर रहे थे, डिफ्यूजेबिलिटी कर रहे थे, तो जो गैसेस आर इंटरमिक्स कंप्लीटली, देखिए गैसेस क्या करेगी, कंप्लीटली इंटरमिक्स कर सकती है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, डिफ्यूजेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, इसका मतलब क्या है कि गैसेस हाईली डिफ्यूजेबल होते हैं। नेक्स्ट आता है अपने पास फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ इज प्रेशर। प्रेशर का मतलब क्या है,
कि जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनकी थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, उनकी थर्मल एनर्जी क्या होगी, हाई, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी हाई होने की वजह से ये जो पार्टिकल है ये क्या करते हैं, जिग जैग मोशन शो करते रहते हैं। ये गैस के पार्टिकल एक जगह ना होके क्या करेंगे, रैंडम मोशन इस तरह से शो करेंगे। ठीक है, हर एक गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, रैंडम मोशन शो करते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये कोलोइड कोलोइड करते रहते हैं वॉल से, जो कंटेनर की जो वॉल है इनसे क्या करेंगे, कोलोइड करेंगे। तो अब ये क्या करते हैं, इसी कोलिजन की वजह से, कि जिस फोर्स से कंटेनर की वॉल पर क्या करते हैं, कोलोइड करते हैं, कितने पर यूनिट एरिया में कोलोइड करेंगे, यही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। आ गया समझ में? तो जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और वो प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करेंगे हर डायरेक्शन में, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, कोलोइड्स करते रहते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है कि जो गैसियस स्टेट है, इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ गैसियस स्टेट कुछ लॉ को भी ओबे करती है। ठीक है, हम उन लॉ को भी स्टडी करेंगे कि कौन से लॉ है जिनको गैसेस क्या करती है, ओबे करती है। अब इससे पहले हम क्या देखेंगे, अब इससे पहले देखिए अपने पास क्या है, मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, कि गैसेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो देखो गैस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है मास, हम मास को मेजर कर सकते हैं, जो गैस का मास है हम उसको इजिली मेजर कर लेंगे। सेकेंड अपने पास है वॉल्यूम, थर्ड इज टेम्परेचर, फोर्थ इज प्रेशर। तो ये प्रॉपर्टी है गैसेस की जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो देखिए मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस कौन कौन सी है, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि मास को हम कैसे मेजर करेंगे, वॉल्यूम को कैसे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए जो फर्स्ट टॉपिक आता है अपना, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मास, फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ गैसेस, कि हम गैस के मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गैस के मास को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या लिया, मान लो एमपीटी कंटेनर ले रखा है अपने पास, क्या है ये, एक एमपीटी कंटेनर है, ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस एमपीटी कंटेनर का हम क्या मेजर कर लेंगे, मास, मान लो कितना है, W1 ग्राम है। ये अपने पास कोई खाली कंटेनर है, इसका मास हमने पहले मेजर कर लिया कितना है, W1 ग्राम है। अब हमने क्या करवाया, इस कंटेनर के अंदर गैस को फिल करवा दिया, क्या करवा दिया, इस कंटेनर में गैस को फिल करवाया। अब गैस फिल होने के बाद इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है, सॉरी मास है, मास कितना हो जाएगा, W2 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अब गैस फिल हो चुकी है, तो इसका मास कितना हो गया, W2 ग्राम। तो अब गैस का मास हम कैसे निकालेंगे, कि गैस का मास कितना है, तो देखो मास ऑफ गैस इज इक्वल टू, जो अपने पास फील्ड कंटेनर है जिसके अंदर गैस फील है, जिसका मास कितना है, W2, इसमें से हम क्या माइनस कर दे, W1 को माइनस कर दे, तो इधर से जो मास आएगा ये हमें क्या बता, ये जो मास होगा किसका मास होगा, गैस का। बात समझ रहे हो, W2 - W1 ग्राम इज द मास ऑफ गैस। पहले हमने क्या लिया, जो एमपीटी कंटेनर है जिसके अंदर गैस को फिल करवाना है उसका मास मेजर किया, वो कितना था, W1 ग्राम था। लेकिन जब उसमें हमने गैस को फिल करवाया तो अब जो न्यू जो मास हुआ वो कितना है, W2 ग्राम। हमें क्या करना है, गैस का मास कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, फील्ड कंटेनर में से एमपीटी कंटेनर का मास माइनस कर देंगे, जहां से अपने पास क्या मेजर हो जाएगा, मास ऑफ गैस।
आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, गैस का मास मेजर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हमें गैस का मास पता लग गया तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं हम, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, इस तरह से निकाल लेंगे भाई। ठीक है, और हमें किसका निकालना है, गैस का, तो इधर हम किसका मास रखेंगे, गैस का मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ गैस। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो इतनी बात? तो गिवन मास में आप क्या लिखोगे, मास ऑफ गैस, की जो गैस का मास होगा वो लिखोगे, और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, मोलर मास ऑफ गैस, की गैस का मोलर मास क्या है। हम इसे क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, मेजरमेंट ऑफ मास वाली, और इसकी यूनिट क्या होगी, मास को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, ग्राम में या किलोग्राम में, हम इस यूनिट में क्या करेंगे, मास को मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी है, सेकंड वन इज वॉल्यूम। सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास क्या होगी जो हम मेजर कर सकते हैं गैस के लिए, दैट इज वॉल्यूम। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब देखो हमने देखा था कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है ना, गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है, तो वॉल्यूम हम कैसे मेजर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, जिस भी कंटेनर में हम क्या करते हैं, गैस को फिल करवाते हैं, तो गैस क्या करती है, उसी कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, उसी का वॉल्यूम क्या कर लेगी, गैस ऑक्यूपाई कर लेगी, और वही क्या हो जाएगा, कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा। ओके, चाहे आप देखो सेम अमाउंट की गैस को, चाहे तो आप इस बॉक्स में रखो, ठीक है, इतने वॉल्यूम में, चाहे आप क्या करो उसको लोअर वॉल्यूम में रख दो, इसमें रख दो, तो गैस क्या कर लेती है, अपने आप को डिफ्यूज कर लेती है, अपने आप को फैला लेती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है गैस की। समझ रहे हो? ठीक है, तो गैस को आप जहां भी रखोगे ना, वो उसी के अकॉर्डिंग क्या कर लेती है, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। अगर आप रूम में इतने ही अमाउंट की गैस को आप रूम में स्प्रेड कर दो, तो वो क्या कर लेगी, रूम का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। बात समझ रहे हो? तो हम गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो देखो द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द गैस ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट। बात समझ रहे हो, कि जो गैस होती है, गैस उस कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा जाता है। ओके ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जिस भी कंटेनर में हम गैस को रखेंगे, गैस उसी कंटेनर का क्या कर लेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगी। अब देखो यूनिट क्या क्या है, हम वॉल्यूम को किस यूनिट में मेजर कर सकते हैं, तो वो यूनिट देखिए। अब ये जो मैं लिखूंगी ना इधर, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, हम न्यूमेरिकल में एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखना भाई। देखो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में मेजर करेंगे या फिर डेसीमीटर क्यूब में, दोनों तो एक ही बात है भाई। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम के जो ऐसा यूनिट हम लेके चलते हैं, वो क्या लेके चलते हैं, लीटर, हम लीटर में मेजर करेंगे। अब देखो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमें कोई अदर यूनिट दे रखी है तो उनको हम लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये देखिए अपने पास क्या होता है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होगा, 1000 लीटर के इक्वल होगा, और 1000 लीटर किसके इक्वल होगा, 1000 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। और ये डेसीमीटर क्यूब कितने सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, 10^6 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा, मतलब 1 मीटर क्यूब में 10^6 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, इन यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना हमेशा, कि जो 1 लीटर होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है भाई, 1 लीटर क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल है। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसी तरह से 1 डेसीमीटर क्यूब में कितने मिलीलीटर होंगे, 1000 मिलीलीटर होंगे। और 1 मिलीलीटर क्या होता है, 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1000 मिलीलीटर में कितने
कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। एक ही बात समझ गए, कोई दिक्कत इसमें? कर सकते हो। देखो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो, कितने लीटर के इक्वल होगा? 1000 लीटर। और लीटर किसके बराबर होता है? डेसीमीटर क्यूब के। तो 1000 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब हैं? 1000 डेसीमीटर क्यूब हैं, समझ रहे हो। और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो जैसे देखो 1000 मिलीलीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो आप इनका यूज करके क्या कर सकते हो? वॉल्यूम के यूनिट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अपना वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं? तो गैस जिस भी कंटेनर में रखी जाएगी, गैस उसी कंटेनर का क्या कर लेती है? वॉल्यूम अटेन कर लेती है। और उस वॉल्यूम को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? लीटर, डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब, इन यूनिट में हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड जो अपने पास मेजरेबल प्रॉपर्टी आती है, वो थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास कौन सी है? टेम्परेचर। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? टेम्परेचर। अब देखिए स्टूडेंट, टेम्परेचर क्या होता है? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। इट मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, उसको हम किससे मेजर कर सकते हैं? टेम्परेचर से मेजर कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो टेम्परेचर ऑफ गैस का मतलब क्या है? कि गैस का क्या करना? हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करना। वो किसके थ्रू कर सकते हैं? हम टेम्परेचर के थ्रू कर सकते हैं। अब देखो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से किया जाता है। और टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या होगी? हम इसको किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो देखो SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? कैल्विन। हम जो न्यूमेरिकल के लिए जो यूज करके चलते हैं वो कौन सी है? कैल्विन है, ठीक है। और वैसे हम टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं? 3 यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। 3 यूनिट्स कौन कौन सी है? नंबर वन इज कैल्विन, सेकेंड वन इज डिग्री सेल्सियस, एंड थर्ड वन इज फारेनहाइट। हम इन 3 स्टेट में क्या कर सकते हैं, 3 यूनिट्स में क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो हम न्यूमेरिकल के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? केल्विन। तो हमें इनका इंटर कन्वर्जन पता होना चाहिए कि अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया तो हम उसे केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर फारेनहाइट में दे रखा है तो उसको डिग्री सेल्सियस या केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, एक आपको इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी कि केल्विन किसके इक्वल होता है? डिग्री सेल्सियस +273 इसके इक्वल होगा। बात समझ रहे हो? अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे दिया जाता है तो आप उसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे? आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करवा दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके चले, आपको क्या दे दिया? 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। आपको क्या निकालना है? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करो, 25 + 273 आप ये कर दो। तो कितना बन जाएगा ये? 298। कितना आ जाएगा? 298 केल्विन। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, फारेनहाइट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो देखो अपने पास ये इक्वेशन होती है, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 5 इक्वल टू फारेनहाइट -32/9। आप इस इक्वेशन का यूज करके क्या करोगे? फारेनहाइट को कन्वर्ट करोगे डिग्री सेल्सियस में, और फिर डिग्री सेल्सियस से आप केल्विन तो कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट आप ये 2 इक्वेशन याद रखना कन्वर्जन के लिए, ठीक है, कि आप कैसे डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट को केल्विन में चेंज, पास कौन से प्रॉपर्टी क्या होता है? इट इज द मेजर मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कि हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम क्या मेजर करते हैं? टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो SI यूनिट होती है वो क्या है? केल्विन। और इसके अलावा भी अपने पास 2 और यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट। लेकिन हम न्यूमेरिकल के लिए जो यूज करेंगे वो कौन से यूज करते हैं? केल्विन यूज करते हैं, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं? इन इक्वेशन का यूज करके। ओके, तो ये अपने पास क्या थी? थर्ड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट आती है अपने पास प्रेशर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट, प्रेशर क्या होता है?
देखिए स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी इज प्रेशर। प्रेशर को हम कैसे मेजर करते हैं, तो हमने अभी डिस्कस किया था पीछे भी कि अपने पास जो गैसेस होती हैं वो गैसेस क्या करती है, जिस भी कंटेनर में इनको फिल किया जाता है उस कंटेनर के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो अपने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, और देखो इस रेशियो मैम, को, क्लियर आवाज आवाज क्लियर नहीं है। नहीं है। यस मैम। देखिए प्रेशर को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, आपके पास क्या है, इधर गैसेस फिल है, मान लो इस कंटेनर में क्या है, गैसेस फिल कर रखी है। अब ये क्या होगा, ये जो गैसेस के जो मॉलिक्यूल है ये क्या करते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, क्योंकि गैसेस फिल के थर्मल एनर्जी क्या होती है, हाई। अब ये क्या करेंगे, रैंडमली जब मूव करेंगे तो ये क्या करते हैं, वॉल से टकराएंगे। क्या करते हैं, ये वॉल से टकराते हैं। तो देखो क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे बॉल से। तो जितने फोर्स से ये कोलिजन करते हैं और कितने एरिया पर ये कोलाइड कर रहे हैं, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, यही क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। बात समझ रहे हो, कोलिजन कोलिजन की वजह से क्या जनरेट होता है, बॉल्स पर प्रेशर जनरेट होता है, और प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि जो गैसेस स्टेट है वो क्या जनरेट करती है, प्रेशर जनरेट करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं, रेंडमली मूव करते रहती है, और उनके कोलिजन की वजह से क्या जनरेट होता है, प्रेशर। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है, प्रेशर क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू कोलिजन मॉलिक्यूल विद द वॉल ऑफ कंटेनर। देखो ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर के वॉल पर बार बार कोलाइड करने की वजह से, कोलाइड टकराने की वजह से क्या जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है। अब देखो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, हम प्रेशर को कैसे मेजर कर सकते हैं, यूनिट क्या होगी। तो देखो प्रेशर किसके इक्वल है, फोर्स पर यूनिट एरिया किसके इक्वल है। अब फोर्स को किस में मेजर करते हैं हम, न्यूटन में, और एरिया को किस में मेजर करते हैं, जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये क्या है, प्रेशर की यूनिट है। और इस न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, पास्कल। ठीक है, टी ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या होगी, प्रेशर की यूनिट होगी। ओके, अब देखो जो गैसियस स्टेट है, जैसे तो ये तो हमने एग्जांपल दे रखा था कि एक कंटेनर के अंदर क्या है, गैसेस फिल है, वो क्या जनरेट कर रही है, वॉल्स पर प्रेशर जनरेट कर रही है। अब इसी तरह से अपने सराउंडिंग में भी क्या है, एयर है। अब वो एयर क्या करती है, भी अर्थ पर प्रेशर अप्लाई कर रही है, तो उस प्रेशर को हम क्या बोल देते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर बोल देते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। क्लियर हो रही है इतनी बात, कि जो अपने पास एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं उन गैसेस की वजह से अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर भी क्या जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है, और उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसकी यूनिट्स की बात रही, एक यूनिट तो अपने पास ये हो गया, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल्स भी बोलते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए जो हम प्रेशर के यूनिट होते हैं, दैट इज 1 atm, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, हम इसको लेके चलते हैं। अब देखो 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर का अदर यूनिट्स के साथ कैसे लिंक होगा, कैसे हम इनको इंटर कन्वर्ट करवा सकते हैं। देखिए जो 1 एटमोस्फेयर है ये पास्कल के साथ कैसे कनेक्ट होती है, तो देखो 1 एटमोस्फेयर में 1.01325 × 10^5 पास्कल होते हैं। ठीक है, 1.01325 × 10^5 पास्कल होते हैं। इस ऐसे हम क्या कर सकते हैं, पास्कल को एटमोस्फेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं इस नंबर का यूज करके। सेकंड देखो, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किलो पास्कल में भी लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगा, ये 101.325 किलो पास्कल। देखो किलो के लिए तो हमने इधर से 10^3 रख दिया, और इसके एक पॉइंट को क्या करवा दिया, हमने इधर शिफ्ट करवा दिया, तो ये क्या बन गया, 101.325 किलो पास्कल, ये किलो पास्कल में हो गई। अब देखो एक यूनिट और होती है भी, 1 एटमोस्फेरिक किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ मरकरी के इक्वल होता है।
ठीक है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये भी क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है, ये है। और इस एमएम ऑफ मरकरी को हम टॉर भी बोलते हैं, तो ये 760 टॉर के भी इक्वल हो जाएगा। तो 1 एटमॉस्फेयर में कितने टॉर होते हैं, 760 टॉर होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्या है, इसको मिलीमीटर में ना लिखे, हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, हम इस तरह से लिख देंगे। तो 1 एटमॉस्फेयर में कितने सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होते हैं, 76। और हम देखो अब एक और यूनिट होती है बार। अब 1 एटमॉस्फेयरिक और 1 बार में क्या रिलेशन होता है, 1 एटमॉस्फेयरिक इज इक्वल टू 1.01325 बार, इसके इक्वल होगा भी, ठीक है। तो 1 एटमॉस्फेयरिक इज इक्वल टू 1.01325 बार, मतलब जनरली हम यही लेके चलते हैं कि 1 एटमॉस्फेयरिक इज इक्वल टू 1 बार, क्योंकि यहाँ पर 1.01 है, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये लेके चलते हैं न्यूमेरिकल के लिए कि 1 एटमॉस्फेयरिक किसके इक्वल होता है, 1 बार के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे भी कन्वर्जन के लिए, आपको न्यूमेरिकल में जैसे टोर में यूनिट दे दी, तो आप टोर को एटमोसफेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो 760 का यूज करके, तो ये आपके करना। तो ये अपने पास क्या है, पास कौन